हेलो एंड वेलकम बैक। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग रिसेंटली 75th एनिवर्सरी ऑफ द बिगनिंग ऑफ यूएन पीस कीपिंग वॉज सेलिब्रेटेड। 2023 में क्या हुआ, यूएन पीस कीपिंग का 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। अ सेरेमनी वॉज हेल्ड टू पॉस्थमसली अवार्ड द डैग हैमर्सजोल्ड मेडल टू पीस कीपर्स हु डाइड इन 2022। तो कौन सा मेडल दिया गया, द डैग हैमर्सजोल्ड मेडल, द डैग DAG, द डैग हैमर्सजोल्ड मेडल 2022 में जो मरे थे पीस कीपर्स उनको ये मेडल दिया गया। सो अ सेरेमनी वॉज हेल्ड टू पॉस्थमसली अवार्ड द डैग हैमर्सजोल्ड मेडल टू पीस कीपर्स हु डाइड इन 2022। सो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स जो 2022 में मर गए थे उनको कौन सा मेडल दिया गया, द डैग हैमर्सजोल्ड मेडल 2022। ठीक है, ये मेडल दिया गया। यूएन पीस कीपिंग के बारे में क्या जानते हैं हम लोग। फॉर्मली क्रिएटेड इन 1992 एज द डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस DPO, 1992 में इसको डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्रिएट किया गया था। 1992 में डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्रिएट किया गया था। सो DPO ट्रेसेस इट्स रूट्स इन 1948 विद द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो DPO जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जो कि 1992 में क्रिएट किया गया था, उससे पहले क्या हुआ था, 1948 में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस हुआ था। कौन सा, दो हुआ था, एक होता है यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हुआ था यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दो यूएन पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे। एक था यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया और पाकिस्तान में। सो DPO ट्रेसेस इट्स रूट्स टू 1948 विद द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। पहला यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कब बना था, 1948 में। सो दो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, एक था यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया और पाकिस्तान में। अप टू लेट 1980s पीस कीपिंग ऑपरेशंस वेयर ऑपरेटेड थ्रू यूएन ऑफिस ऑफ स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स। सो 1980s तक जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस था ना, वो कौन ऑपरेट करता था, वो यूएन ऑफिस ऑफ स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स ऑपरेट करता था। फिर डेडिकेटेड टू असिस्टिंग द मेंबर स्टेट्स एंड सेक्रेटरी जनरल इन देयर एफर्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी इसके मेंबर स्टेट्स होंगे उनको और सेक्रेटरी जनरल को एफर्ट्स मतलब लगाने हैं ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बरकरार रह सके। सो जो भी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं उनको उनके बीच में और सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनको एफर्ट्स लगाने हैं कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड एंड मेंटेन्स कॉन्टैक्ट्स विद द सिक्योरिटी काउंसिल ट्रूप एंड फिनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है, ये क्या करेंगे, पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देंगे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस को पूरे दुनिया भर में और मेंटेन करेंगे कॉन्टैक्ट सिक्योरिटी काउंसिल से, ट्रूप से और फिनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर से। इट हैज़ थ्री मेन ऑफिसेस, नेमली रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी और इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। सो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ये जो है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इसका यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग इसके तीन ऑफिसेस हैं। पहला ऑफिस है रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। पहला क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। दूसरा क्या है, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी। और तीसरा क्या है, इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन, इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। सो ये तीन मेन ऑफिस है, क्या क्या, रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी एंड इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। सो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के तीन ऑफिसेज हैं, कौन कौन से, रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी और इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। याद हो गया, रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी और इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। ठीक है, तो आर ओ ई याद कर लीजिए। सो आर से रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ओ से ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी और ई से इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन।
इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीस कीपिंग, इंडिया क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग में। थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर विथ 6,073 पर्सनल डिप्लॉयड इन 8 आउट ऑफ 13 एक्टिव मिशंस। सो इंडिया का ये कॉन्ट्रीब्यूटर है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर है इंडिया, और जिसमें इंडिया ने कितने पर्सन को डिप्लॉय किए हैं, 6,073 लोगों को डिप्लॉय किया है। 8 जगह पे 13 एक्टिव मिशंस हैं, उसमें से 8 एक्टिव मिशंस पे डिप्लॉय किया गया है। फर्स्ट कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट फंड ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज सेटअप इन 2016। सो इंडिया पहला देश है जिसने ट्रस्ट फंड को में कंट्रीब्यूट किया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ के लिए, जो 2016 में सेटअप किया गया था। और पहला कंट्री है जिसने डिप्लॉय किया ऑल वेमेन कॉन्टिजेंट को 2017 में। सो इंडिया पहला कंट्री है जिसने डिप्लॉय किया है ऑल वेमेन कॉन्टिजेंट को 2017 में। कॉप शक्ति देवी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिप्लॉयड इन अफगानिस्तान अवार्डेड इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड। सो इंटरनेशनल फीमेल पीस पुलिस पीस कीपर अवार्ड किसको मिला है, शक्ति देवी को मिला है, और वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से बिलोंग करती है। समझ में आ गया यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। सो रिसेंटली 75th एनिवर्सरी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूएन पीस कीपिंग वॉज सेलिब्रेटेड। अ सेरेमनी वॉज हेल्ड टू पोस्थमसली अवार्ड द डैग हैमर्स जोल्ड मेडल टू पीस कीपर्स हु डाइड इन 2022। जेनेसिस फॉर्मली क्रिएटेड इन 1992 एज द डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस डीपीओ। DPO traces its roots to 1948 with the creation of the first UN peacekeeping operations, UN Truce Supervision Organization and UN Military Observer Group in India and Pakistan. Up to the late 1980s, peacekeeping operations were operated through UN Office of Peace Political Affairs, Special Political Affairs, dedicated to assisting the member states and Secretary General in their efforts to maintain international peace and security. Provides political and executive direction to United Nations peacekeeping operations around the world and maintain the contact with Security Council, troop and financial contributors, etc. It has three main offices, namely Rule of Law and Security Institutions, Office of Military Affairs and Policy, Evaluation and Training Division. India ka contribution hai UN peacekeeping mein, third largest troop hai, contributor with 6,073 personnel deployed in 8 out of 13 active missions. First country to contribute to the Trust Fund on Sexual Exploitation and Abuse set up in 2016. And it is the first country to deploy all women contingent in 2017. COP Shakti Devi of Jammu and Kashmir Police deployed in Afghanistan awarded International Female Police Peacekeeper Award. See you in the next video. Till then, bye.